भांजा मोटर्स उदयपुर से मैकेनिक संदीप साहू। ये देखिए भाई साहब, कुछ दिन पहले मेरे पास ये गाड़ी आई थी जिसमें फ्यूल पंप में समस्या थी। अब ये आज मेरे पास ये गाड़ी आई है, इनकी हेडलाइट में एलईडी लगी हुई है। ये एलईडी लगी हुई है, इस पे एक समस्या ये है, इनने कई मैकेनिकों से दिखवाया तो मैकेनिकों ने बोल दिया कि ये बदलेगी, ये हेडलाइट बदलेगी। पर इसमें ये दोनों सही हैं, वो कैसे पता किया और आप भी कर सकते हैं। और मेरे भाई, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही रोमांचक वीडियो है ये, शायद आपको YouTube में अभी तक ना मिला हो। तो क्या होता है, यहाँ पे पास लाइट और अपर डिपर के लिए कंपनी ने न्यू मॉडल में एक ही स्विच दिया, वो स्विच ये देखिए, ये स्विच लगा रहता है, ये जो सीधा उठा के नया डाल दो, दिक्कत खत्म। पर हमने जो किया है वो देखिए, आपको हम लाइव प्रूफ दिखाएंगे। ये देखिए, ये अपर जल रही है और इसके बाद देखना इसकी अपर डिपर दोनों जला के दिखाएंगे। देखिए मोबाइल से ठीक से दिखाइएगा, देखिए अपर डिपर दोनों काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, हम ये बता रहे हैं। इसकी मतलब हेडलाइट पूरी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये देखिए, ये देख रही है मेरे भाइयों। तो एक बार मेरे भाई, मेरे इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हो सकता है कि मैं आप लोगों के सामने बहुत छोटा मैकेनिक हूँ, पर मैं ये नहीं जानता हूँ क्या हूँ कैसा हूँ। और आपको जो भी लगे, मेरे से ज़्यादा जानने वाले लोग पड़े हुए हैं, मेरे से ज़्यादा बेहतर मैकेनिक पड़े हुए हैं, पर मैं इस गाँव के अंदर रहकर ये कर रहा हूँ, मेरे को बड़ी संतुष्टि मिलती है। ये यहाँ देखिए, इसको देखिए, लोगों ने कह दिया था कि ये ख़राब है, ठीक है, पर मैं आपको ये चेक करके बता रहा हूँ कि ये ख़राब नहीं है। और आगे मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये भैया से पूछिए, अरे भाई आप बताइए इस पे क्या समस्या थी और क्या था। और हाँ, तो देखिए दोस्तों, हम इसको फटाफट फिट कर चुके हैं। और ये देखिए इस बटन को यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से शहर या एजेंसी जहाँ से हमें पार्ट्स लेना पड़ते हैं वो काफ़ी दूर पड़ते हैं, तो हम गांव के रहें, गांव में मेरी दुकान है, गांव में मेरा शॉप है भांजा मोटर्स करके, तो वहाँ पर ये उपलब्ध नहीं था, ये बटन उपलब्ध नहीं थी। तो इस बटन को हमने अच्छी तरीके से धुलकर और इसको रिपेयर करके फेविक्विक से इसको ठीक किया है। अब हम आपके सामने देखते हैं ये बटन काम करती है या नहीं करती, और हेडलाइट एलईडी लगी हुई इस पे ये काम कर रही है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये पास लाइट जली, इसको दबाते हैं तो ये पास और ये अपर, ये डिपर, ठीक है मेरे दोस्तों। ये देखो, ये काम कर रही है, तो ठीक है मेरे दोस्तों, ऐसा आप लोग कर सकते हैं। ज़्यादा इस पर कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं। किसी मैकेनिक भाइयों ने ये बोल दिया था कि इनकी ये पूरी ख़राब है, बहुत ज़्यादा पैसा बताया और ये बहुत परेशान हो गए। कई दिनों से एक ही लाइट से काम चला रहे थे, एक ही एलईडी से काम चला रहे थे। और हम उनसे अभी थोड़ी देर बाद आपको मिलवाएंगे, वो भैया यहाँ पर गए हैं आउटसाइड कहीं चाय पीने वगैरह, तो हम उनसे आपको। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मेरे को बताएं क्या ये काम मैंने सही किया है या गलत किया है, और जैसा भी आपको ठीक समझ में आए। तो धन्यवाद दोस्तों। मैंने जबलपुर में दो मिस्त्रियों से गाड़ी दिखवाई, वहाँ पर ये बोल रहे थे कि हेडलाइट पूरी बदलनी पड़ेगी। मैंने एजेंसी में पता किया तो इसका रेट था 4800 रुपये। मैं जब यहाँ आया उदयपुर में भांजा मोटर्स के यहाँ संदीप मिस्त्री के पास, तो उन्होंने मेरी हेडलाइट ठीक करी थी, मेरा पूरा खर्चा बच गया, मैं बहुत खुश हूँ। 5 स्टार देना चाहूँगा।